हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर सेकंड प्लेइंग विद नंबर्स। ये है क्लास सिक्स के लिए। इसमें हम बोर्ड मास्टर में पढ़ेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल है, उसके रूल्स क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। इस स्पेलिंग में छुपा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। बी फोर ब्रैकेट्स, मतलब जब भी कोई हमारे पास इक्वेशन आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स भी तीन तरह के होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद आप ऑफ को सॉल्व करोगे, मतलब कोई इक्वेशन लिखी हुई है उसमें ऑफ आ रहा है, जैसे थ्री ऑफ फोर, तो थ्री और फोर का मतलब क्या है, थ्री को मल्टीप्लाई करना है फोर से, ठीक है। फिर आता है डी, डी फोर डिवीजन, मतलब फिर हम डिवाइड, अगर साइन लगा हुआ है कहीं पे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। इनको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है कि पहले एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है, देन हमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें, अगर हमें क्वेश्चन में एडिशन दे रखा है तो एडिशन को सॉल्व करना है, देन हमें सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं पहले कि ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं। ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं। ये जो साइन दे रखा है ये क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स, मतलब अगर ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। आपको इस तरह भी याद कर सकते हो कि यहाँ से इस तरह की शेप होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, दोनों ब्रैकेट जब ओपन हो जाए तो किसको सॉल्व करोगे, बिग ब्रैकेट को। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ हो तो पहले इसको सॉल्व कर लोगे, अगर ओनली ये दिया हुआ हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों दिए गए हो तो आप इसी सीक्वेंस में इनको सॉल्व करोगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। और एक चीज आपको याद रखनी है कि कुछ क्वेश्चन में बार लगी हुई होती है, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आएगा उसके ऊपर क्या लगी हुई होगी, एक लाइन लगी हुई होगी जिसको हम बार बोलते हैं। बार को ब्रैकेट से पहले सॉल्व करते हैं, बी फोर ब्रैकेट या फिर बी फोर बार भी याद कर सकते हो आप। इसमें सबसे पहले अगर बार दी हुई है तो आप बार को सॉल्व करोगे, देन आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। बोर्ड मास के रूल को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे हमें दिया गया है 65 माइनस फिर बिग ब्रैकेट, 36 माइनस देन कर्ली ब्रैकेट, 15 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट है 2 माइनस 5 माइनस 3। अब 5 माइनस 3 पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे बार लगी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके आगे की इक्वेशंस को नहीं देखेंगे कि आगे साइन क्या लगा हुआ है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ दे रखा है 5 माइनस 3, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और बाकी के डिजिट्स को ऐसे कैसे लिख देंगे। 15 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, तो यहाँ पे आ गया 2, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 65 माइनस 36। अब हमें पता है कि बी फोर बार भी होता है और बी फोर ब्रैकेट्स भी होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को। तो स्मॉल ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 2 कितने होते हैं, 0, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे -0। और ब्रैकेट के बाहर जो साइन लगा हुआ होता है वो भी यहाँ लिख देते हैं। ये दोनों क्या हुए, 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 पे कोई भी नहीं है कि प्लस है माइनस है, तो हम यहाँ का साइन यहाँ लगा देंगे। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा था कि स्मॉल ब्रैकेट के ओपन होने के बाद हम मिड ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 15 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 15, यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है माइनस का, तो यहाँ पे क्या जाएगा 15, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट बचा है, बिग ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 65 माइनस, जब 36 में से 15 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे,
21, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्या होगा, हट जाएगा। अब हम 65 में से, अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है कि 65 में से 21 माइनस होते हैं तो क्या बचता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब हमारा आंसर हो गया 44। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 36 माइनस ब्रैकेट ओपन 18 माइनस फिर ब्रैकेट है 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये तो पता है कि सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, लेकिन हम इसको ओपन कैसे करेंगे, इसमें तो तीन तरह के साइन है, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का। तो उधर देखो, हमने इससे क्या सीखा था कि हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम कौन से साइन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाले साइन को, क्योंकि डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों से पहले आ रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड का साइन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम ये साइन एज इट इज रखा जाएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 ही आता है, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को या मल्टीप्लिकेशन को, वहां से चेक करो, मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस, अब हम माइनस सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट अभी लगा रहने दो, 15 माइनस 2 टू जा कितना होता है 4, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में सिर्फ एक साइन बचा है सब्ट्रैक्शन का, तो हम इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 कितना होता है 11, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या जाएगा 11। ये 15 में से आप माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 11, बाहर क्या है साइन, माइनस का, तो साइन यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। 36 माइनस 18 माइनस, जब आप 14 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बिग ब्रैकेट बचा है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो 36 माइनस 18 माइनस 3 कितने होते हैं 15, तो यहाँ पे क्या जाएगा 15। अब हमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा 21, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि BODMAS, मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर बार लगा हो तो ब्रैकेट से पहले बार को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने 24 माइनस बिग ब्रैकेट 19 माइनस कर्ली ब्रैकेट 13 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, कौन से को, स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में हमें दो साइन दे रखे हैं, दोनों सेम है, कौन से, सब्ट्रैक्शन के, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस तरह, ये 10 क्या है यहाँ पे प्लस में और ये दोनों क्या है माइनस में, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, 24 माइनस 19 माइनस 13 माइनस, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 10 में से पहले 7 माइनस कर लो, कितने आएंगे 3, यहाँ पे क्या आएंगे माइनस का 4, या तो ऐसे कर लो, या फिर आपके पास एक और ट्रिक है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 से ऐसे कैसे लिखा रहने दोगे, माइनस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 10 माइनस 3 करोगे, इसमें
7, ये लो। अब आप करोगे 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होता है, सिर्फ यही इसमें क्या है, एक ही क्वांटिटी है 13 माइनस 7 की, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे 19 माइनस 13 माइनस 7 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट बचा है, उसको हमको सॉल्व करना है। देन क्या हो जाएगा, 24 माइनस 19 में से 6 को माइनस किया, क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है कि 24 माइनस 13 कितना होता है, यहां से आ जाएगा 11, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अगर स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह की इक्वेशन हो तो आपको पता चल गया कि किस तरह सॉल्व करना है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, और जो माइनस के डिजिट्स है 7 माइनस 4 यहाँ पे 3 आ गया, साइन ये लग गया यहाँ पे, और देन इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 31 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 19 माइनस 9 प्लस 14 माइनस 12, इसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें दो साइन दे रखे हैं, एक तो माइनस का और एक प्लस का, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे ए पहले आ रहा है एस से, मतलब एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन से, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि ये 19 क्या है, ये प्लस की डिजिट है, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं लिखी हुई, हम कोई भी डिजिट को ब्रैकेट में लिखते हैं, हमने 2 माइनस 3 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 प्लस में है। अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ होता तो हम जानते हैं कि ये माइनस में है, प्लस के डिजिट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसके आगे साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 19 माइनस 9 प्लस 14 माइनस 12 लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले एडिशन करना है, तो प्लस के डिजिट कौन कौन से है, 19 और 14, तो 19 और 14 को सबसे पहले हम प्लस कर देंगे, 19 और 14 को हमने प्लस किया तो क्या आया हमारे पास, 33। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास दो डिजिट है माइनस की, -9 एंड -12, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 33 माइनस माइनस का 9 और माइनस का 12, दोनों डिजिट क्या है, माइनस की है, तो ये आपस में ऐड हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस ही रहता है। आपके पास कोई दो डिजिट हो जैसे -2 -3, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 कितने हो गए, 5, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, क्योंकि वो माइनस में तो जाएगा, जब दो माइनस की क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि -9 और -12 कितने हो जाएंगे, 21, दोनों को ऐड कर दिया और साइन क्या आया, माइनस का। अब है 31 माइनस 33 को 21 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब 31 में से 12 को माइनस करोगे तो आपके पास डिजिट आएगी 19, तो यहां से इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट्स में है, 63 माइनस 25 प्लस 52 माइनस 47, देन मल्टीप्लिकेशन में है 8। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ दो स्मॉल ब्रैकेट्स है तो दोनों को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है 63 माइनस 25, तो 63 में से 25 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 38, यहां से आ गया हमारे पास 38, ठीक है। प्लस अब हमें क्या माइनस करना है, 52 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। देन इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 8। अब आप क्या सॉल्व करोगे, एडिशन सॉल्व करोगे या मल्टीप्लिकेशन, वहां से चेक करो पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि 38 प्लस 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 40, ठीक है। 38 प्लस 40 क्या आ जाएगा, 78, यहां से इक्वेशन सॉल्व हो गया। आपको क्या याद रखना था कि दो स्मॉल ब्रैकेट दिए हुए हो, चाहे
लेकिन उनके अंदर की क्वांटिटी को हम पहले सॉल्व करेंगे। 63 माइनस 25 किया क्या गया 38, 52 माइनस 47 किया क्या गया 5, 5 के मल्टीप्लाई में था 8, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 8 किया क्या गया 40, देन हम इन दोनों को एड कर देंगे क्या आ जाएगा 78। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 देन है डिवाइड 25। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बोर्डमास वाले रूल में पढ़ा था मल्टीप्लाई से पहले क्या होता है डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइड में क्या है 9, तो इसको अपॉन में लिख दो। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 5 और वापस डिवाइड में क्या है 25, ठीक है। अब आपको पता है कि 45 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 25, ठीक है। अब यहां से आप इनको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 5 के टेबल से दोनों साइड कट कर दो, मतलब 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, ठीक है, या तो इस तरह कर सकते हो, या फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 25, ये 25 दोनों के अपॉन में है, ठीक है, तो 5 5 से कितना होता है 25 ही होता है और अपॉन में भी क्या है 25, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप इस तरह सॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा सॉरी 5 5 जा 25, तो यहाँ अपॉन में क्या बच गया 5, मल्टीप्लाई में भी क्या है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 आएगा, अगर इस तरह करते हो तो भी बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑफ वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक ही ब्रैकेट दे रखा है स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 18 माइनस 6, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 72 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ, अभी इसको ऑफ को ऐसे कैसे रखने देंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, प्लस 2, 18 माइनस 6 करते हैं तो क्या आता है 12, यहाँ पे क्या जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में है, जैसे आपको कोई डिजिट दे रखी हो इस तरह से, इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 12, 72 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 और ये क्या है 4 डिवाइड में, तो यहाँ इसको डिवाइड में रख दिए। अब क्या करेंगे हम ऑफ वाला पहले सॉल्व करेंगे, 72 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, अब आपको ये दे रखा है 3 ऑफ 2, 3 ऑफ 2 का मतलब क्या है, आपको इस वाले डिजिट से इस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, तो 3 ऑफ 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4, 72 माइनस 12 ये क्या है डिवाइड में है, इसको डिवाइड कर दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, जब 12 को 6 से डिवाइड करवाया जाता है तो क्या आता है 2 टाइम्स डिवाइड होता है, प्लस जब हम यहाँ क्या है मल्टीप्लाई ऐसे कैसे रख देंगे, 12 को 4 से डिवाइड करवाएंगे कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, 72 माइनस 2 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आए 6। अब हमारे पास इक्वेशन है कि 72 माइनस 2 प्लस का 6, तो यहाँ से किसको सॉल्व करोगे 6 माइनस 2, ये क्या है प्लस की डिजिट ज्यादा बड़ी है और माइनस की डिजिट छोटी है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये इस तरह से लिखा हुआ है 6 माइनस 2 तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब 72 प्लस 4 कितने होते हैं 76, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है।
कि अगर कोई क्वेश्चन में ऑफ दे रखा हो तो इसका मतलब उसके आगे वाले डिजिट और उसके पीछे वाले डिजिट ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, प्लस का, माइनस का, कुछ भी, तो अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो हम वहां पे क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा 76। आज की क्लास यही खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने बोर्ड मास के रूल पढ़े कि कैसे हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।